हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की जो नोटिफिकेशन है जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो है 1 तारीख 10वें महीना 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 15 तारीख 10वें महीना 2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वह 1 तारीख 10वें महीना 2024 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 20 तारीख 10वें महीना 2024। संभावित परीक्षा हुआ दिनांक की बात करें हम तो 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें हम तो अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये और ST SC OBC के लिए OBC के लिए 250 रुपये। यहाँ पे दो पालियों में जो है परीक्षा कराई जाएगी वो है 7 से 8 और दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष मांगा गया है या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BA LLED का मांगा गया है। DEd BEd BTC सबसे मांगा गया है। यहाँ पे आपको दोस्तों प्राथमिक शिक्षक की जो प्रतिशत की बात करें तो ST SC OBC के लिए यहाँ पे 50% और अन्य के लिए 60%। हम वेतन की बात करें दोस्तों तो प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन जो है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है और भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के रंग के अंतर्गत 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि वेतन जो बढ़ाया जाएगा या होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन शहर जो है वो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये सब सेंटर आपको दिए जाएंगे। सिलेबस की हम बात करें तो पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वह 30 नंबर का होगा और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और भाषा 1 और भाषा 2 आपको चूज करनी होगी वो भी 30 नंबर की होगी। गणित जो है पेडोलॉजी सहित और प्लस गणित वो भी 30 नंबर की होगी और EVS यहाँ पे 30। टोटल जो आपको है 150 MCQ आएंगे और 150 मार्क्स के नंबर आएंगे। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं बाल विकास की अवधारणा 15 नंबर प्लस आपको यहाँ पर 5 नंबर की जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज और अधिगम और शिक्षा पेडागोजी जो है 10 नंबर की। हिंदी भाषा में 30 नंबर का है। इसमें पहला आपको भाषाई समझ और अवबोध जो है 15 प्रश्न आएंगे और भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र जो है 15 नंबर का है। अंग्रेजी भाषा 30 नंबर की आएगी, कंपैरिजन 15 नंबर की आएगी और पेडागोजी आपकी 15 नंबर की आएगी। संस्कृत भाषा जिसका संस्कृत भाषा सब्जेक्ट है उसकी संस्कृत भाषा लिखना है। उर्दू भाषा जो उर्दू भाषा चूज करेगा उसके लिए गणित के लिए 30 है जिसका आपको 15 नंबर के मेन कंटेंट रहेगा और 15 नंबर की जो है आपकी पेडागोजी रहेगी। EVS में आपकी 30 नंबर की आएगी। आप देख सकते हैं 20 नंबर के जो है हमारा परिवार हमारे मित्र खेल एवं कार्य आवास हमारा भोजन आदतें पानी और हवा प्रदूषण और जो है 10 नंबर की जो है पेडोलॉजिक मुद्दे आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।